अगर भारतीय ई कॉमर्स कंपनी की बात करें तो फ्लिपकार्ट का नाम सबसे पहले आपकी जुबान पे आता है। करीब 5 साल पहले फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया, लेकिन अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि ये फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है, फ्लिपकार्ट पैसे कहाँ से कमाता है और फ्लिपकार्ट किस तरीके से बिजनेस करता है। तो आज की वीडियो में इसी चीज की बात करने वाले हैं। साल 2007 की बात है, IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद Amazon जैसी कंपनी में काम कर चुके 2 एम्प्लॉयियों ने फ्लिपकार्ट की शुरुआत की, जिनका नाम था सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये फ्लिपकार्ट जो शुरू हुई थी वो Amazon के बिहाफ पे ही शुरू हुई थी। Amazon जो बिजनेस कर रहा था उसी का बिजनेस मॉडल एक कॉपी किया गया था इंडिया में और इस कंपनी का नाम रखा गया था फ्लिपकार्ट। जब इन्होंने फ्लिपकार्ट को लॉन्च किया था तो कभी इन्होंने भी इतना नहीं सोचा था कि फ्लिपकार्ट इतनी ज्यादा ग्रो करेगी, ना दूसरे लोगों ने सोचा था कि इंडिया में कोई ऐसा बिजनेस मॉडल भी आएगा जो घर बैठे बैठे माल पहुंचाएगा। बात है 2018 की, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 अरब में खरीद लिया। देखा जा रहा था कि फ्लिपकार्ट को हमेशा से घाटा ही हो रहा था और ऐसे ही में लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि ये कंपनी कमाती कैसी है, क्योंकि लगातार घाटा हो रहा था। उसके बाद भी वॉलमार्ट ने घाटे वाली कंपनी को $16 अरब देके खरीदा था, तो ये कंपनी में कोई ना कोई ऐसी बात है जो वॉलमार्ट जैसी कंपनी इसे खरीद रही है। तो अब बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि B2C में डील करती है। तो फ्लिपकार्ट की जब शुरुआत हुई थी तो फ्लिपकार्ट पर इन्होंने किताबें बेचने से शुरुआत की थी, और सेम Amazon की भी जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने भी किताबें बेचकर शुरुआत की थी, लेकिन देखते ही देखते इन्होंने अपनी वेबसाइट को मल्टी वेंडर वेबसाइट बना दिया, जिस पर दूसरे सेलर आके भी रजिस्टर कर सकते थे और दूसरे सेलर भी अपने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते थे। जैसे ही ये सर्विस इंडिया में लॉन्च हुई तो बहुत सारे सेलर आए, उन्होंने फ्लिपकार्ट पर अपना रजिस्ट्रेशन किया और अपने फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद पता चला फ्लिपकार्ट ग्रोसरी में हाथ आजमा रही है। फ्लिपकार्ट ने ग्रोसरी बिजनेस में भी हाथ आजमाया और ग्रोसरी की भी डिलीवरी लोगों के घर घर तक पहुंचाना शुरू कर दी। देखा गया कि लोगों के घर पर दाल, मसाले, मिर्च, सब्जियां और इसके अलावा फल भी भेजना फ्लिपकार्ट ने शुरू कर दिया। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि फ्लिपकार्ट एक पर्सनल वेबसाइट से मल्टी वेंडर वेबसाइट बन चुकी थी, जिस पे अलग अलग सेलर अपने प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लगा रहे थे और बहुत सारे सेलर जुड़ने की वजह से फ्लिपकार्ट ये काम करना संभव कर पाई। उस समय बहुत सारे सेलर इनके साथ कनेक्ट हो चुके थे, जो कि 80 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट इनकी वेबसाइट के माध्यम से सेल कर रहे थे। अक्सर यहाँ पे एक चीज देखी जाती थी कि जो सेलर थे जो कि सेलिंग के लिए अपने प्रोडक्ट लगाते थे फ्लिपकार्ट के ऊपर, और जो बायर थे वो कभी भी सेलर को देख के ऑर्डर देते ही नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट का नाम सोच के ही ऑर्डर देते थे। सेलर से किसी भी कस्टमर को कोई मतलब नहीं था। सेम ऐसा ही सप्लायर के साथ था, जो फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे थे उन्हें कस्टमर से मतलब ही नहीं था, उनको मतलब था हमारे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर सेल हो रहे हैं। तो जो कनेक्टिविटी थी वो कंपनी के साथ थी, कस्टमर की भी और सप्लायर्स की थी। तो यहाँ पे जो ब्रांड वैल्यू बनी थी वो फ्लिपकार्ट की ब्रांड वैल्यू बनी थी। अगर बात करें फ्लिपकार्ट के रेवेन्यू की तो 2018 की बात है, जब फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने अधिग्रहण किया था, उस समय कंपनी की जो रेवेन्यू था वो करीब 30,164 करोड़ रुपए था, और उसी साल कंपनी का मुनाफा बढ़कर 5 गुना बढ़ गया, जो कि 46,895 करोड़ रुपए मुनाफा हो चुका था। अब बात आई 2022 की, तो इस कंपनी को 7,800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, और जबकि 2021-22 को कंपनी का कंबाइंड नेट इनकम 61,831 करोड़ रुपए थी। अब यहाँ पे बात आती है कि फ्लिपकार्ट पैसे कैसे कैसे कमाता है, क्या क्या इसके रेवेन्यू मॉडल हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल है फ्लिपकार्ट का सेलर से कमीशन लेके। भाइयों, ये करता क्या है कि जो भी सेलर इनके प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लगाता है और इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, इनकी वेबसाइट के थ्रू जितनी भी सेल होती है उस पर ये कमीशन लेते हैं सेलर से, और ये कमीशन होता है 10% से लेके 25% तक। हर प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से कमीशन लिया जाता है। अगर कोई सेलर का प्रोडक्ट 1,000 रुपये का सेल हो रहा है तो ये 10% से 25% कमीशन लेते हैं, यानी कि 100 रुपये से 250 रुपये उसमें से कमीशन रख लेते हैं। तो सबसे बड़ी कमाई
कमाई होती है इनकी कमीशन के माध्यम से, दूसरा इनकी कमाई होती है लॉजिस्टिक के माध्यम से, सेलर के माल को कस्टमर तक पहुंचाने में कुरियर कंपनी की जरूरत होती है, तो इनकी खुद की कुरियर कंपनी है ई कार्ट, और ई कार्ट कुरियर कंपनी के माध्यम से ये माल को कस्टमर तक पहुंचाती है जिसमें भी ये रेवेन्यू कमाते हैं, उससे इनकी सेकेंडरी इनकम सोर्स रहता है। तीसरा इनकम सोर्स है कि बहुत सारे सेलर फ्लिपकार्ट पे ही अपने प्रोडक्ट को सर्च में दिखाने के लिए, सबसे पहले दिखाने के लिए एड रन करते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर ही, तो फ्लिपकार्ट उन विज्ञापन दिखाने से भी पैसे कमाता है सेलर से। अगला इनका इनकम सोर्स है, जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारी कंपनियों के नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, मोबाइल लॉन्च होते हैं, लैपटॉप लॉन्च होते हैं, तो वो कंपनियां फ्लिपकार्ट पर अपने विज्ञापन शो करती हैं, तो ये उन ब्रांडों से भी पैसा लेते हैं कि देखो अगर आप अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर खरीदने वाले लोग बहुत हैं, तो डायरेक्ट आपकी सेल आएगी, तो लाखों करोड़ों की तादाद में ये उन विज्ञापनों से भी कमाते हैं। इसके अलावा ये स्पॉन्सरशिप भी लेती हैं, जैसा कि आपको पता होगा बिग बिलियन डे सेल चलती है, अलग अलग तरह की सेलें चलती हैं, उसमें ये ऑफर्स लॉन्च करती हैं, उस समय भी ये स्पॉन्सरशिप लेते हैं, और उन स्पॉन्सरशिप से काफ़ी अच्छा खासा पैसा ये लोग कमाते हैं, यानी कि ये लगभग 5 से 6 तरीके से पैसे कमाते हैं, और इसी पैसे से अपना खर्चा चलाते हैं और उसी में से अपना प्रॉफिट कमाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जो फ्लिपकार्ट है वो बस ई कॉमर्स बिजनेस करती है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा फ्लिपकार्ट का और भी चीजों में बिजनेस है। 2016 में फिनटेक कंपनी फैक्स मार्ट का भी फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहण कर लिया है, और उसके बाद फ्लिपकार्ट ने फोन पे को लॉन्च किया, जो कि आज के समय पर हर व्यक्ति जानता है कि फोन पे हर किसी के फोन में होता है, उससे भी ये काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो इनके अलग अलग बिजनेस हैं जिनसे ये बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये था फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल, किस तरीके से बिजनेस करते हैं और कैसे कमाते हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये केस स्टडी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।